गाइस, फिर से वेलकम है आपका अमन विक्सु के चैनल में। और आज हम होम डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं। ये पार्ट टू है सरोजनी मार्केट का। आप यहाँ से होम डेकोरेशन का सामान ढेर सारा खरीद सकते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि हम लोग तो ढेर सारी शॉपिंग भी कर रहे थे और बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि हम लोगों ने और क्या क्या ख़रीदा है, और आपको डिटेल्स में भी बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी अपनी शॉपिंग, और फिर हम लोगों ने 10, 20, 30, 50, 100 रुपये तक की हम लोगों ने शॉपिंग की है, और ढेर सारी शॉपिंग की है हम लोगों ने। ये पैंट खरीदा रही है, इनके कितने की? 100 रुपये की, सिर्फ 100 रुपये की पैंट। तो देखो यहाँ पे शू, काफी भीड़ है अभी। यहाँ पे देखो सिर्फ शू ही मिल रहे हैं। वाह, सबकी नजरें यहीं टिक जा रही हैं। करता है ना, आपको होम डेकोरेशन का भी सामान मिलता है। बीच बीच में लोग भी आ जा रहे हैं, सॉरी इसके लिए। यार देखो लोग कितनी मेहनत करते हैं ना कमाई के लिए। शूट के लिए भी आपको रिंग लाइट्स वगैरह सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी सामान आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्राची अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम हैंडबैग की तलाश में हैं। हैंडबैग की तलाश में थे, लेकिन उसके बीच में मोनिका को पसंद आ गई एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही थी, आप देख सकते हो वीडियो में। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, आप जब भी सरोजनी मार्केट जाए ना, तो वहाँ पर प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर करें। और हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की है, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। वाह, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है तुमने। वाह, बहुत प्यारी लग रही है यार, दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। जा यार, रेड लिपस्टिक लगा दी तुम्हारे चेहरे पर यार। मेरे चेहरे पर? हाँ, बहुत बदतमीज़ है। मेरे पे लगा? नहीं, पहुँचे एक ब्लाउज की शॉप पर जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत डिजाइनर ब्लाउजेस थी यार, यकीन मानिए। और सिर्फ ब्लाउज पता है आपको कितने की थी? सिर्फ 100 रुपये की। जितनी ब्लाउजेस मैं देख रही हूँ ना, सिर्फ 100 रुपये की थी। मैंने ब्लैक वाली चूज़ की और ब्लैक वाली मैंने ख़रीद भी ली। और एक मुझे बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी, और ये साड़ी की कीमत सिर्फ है सिर्फ 300 रुपये। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी सस्ती यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, जो कि आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। ये सारी है होम डेकोरेशन, जो कि आप कहीं भी इसको टेबल पर रख दोगे। बहुत प्यारा ये लग रहा था मुझे, मैंने इसे बाई भी कर लिया। और क्योंकि होम डेकोरेट करने के लिए कई सारी चीज़ें वहाँ पर थी, और सबसे अच्छी चीज़ थी एक हैंगिंग वाली, जो कि आप देख रहे होंगे बहुत यूट्यूबर हैं जिनके घरों में ऐसे इस तरीके से डेकोरेशन का सामान आपको दिखता है। तो मैंने भी बाई किया है, और मैं होम डेकोरेट कर रही हूँ और भी करूँगी, तो इसलिए आप वीडियो को देखिएगा, और मैं होम टूर भी आपको करवाऊँगी। ऑप्शन आपको फ्री में दे रहे भैया, दोनों साइड में। ये ऑप्शनल आप इसे जुड़े हुए काम में जा रही है हमारी अमन दी। और ये कितने का है? 750। ये 750 का पीस है। अभी बार्गेनिंग करने के बाद पता नहीं कितनी आएगी। वैसे सेल है ये 350 की, तो मतलब बार्गेनिंग तो ओपन है। और ये है मार्केट, आपको मिल जाएगा ये खुशी शादी के ऑपोजिट में। और ये देखिए फिर से ये लड़कों के लिए ऑप्शन,
ठीक है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इसमें लड़कियों के लिए सब कुछ है, लड़कों के लिए। लोगों ने शू की भी शॉपिंग की है और कुछ कुछ जो सैंडल्स हैं वो बहुत प्यारी लग रही थी। आप डेली यूज़ के लिए आप यहाँ से सैंडल ले सकते हो। कैजुअल भी सैंडल्स बहुत सारे थे, कई सारी सैंडल्स थी जो कि आप ख़रीद सकते हो यहाँ से, और बहुत ही कम प्राइस में थी, सिर्फ 100 रुपये की थी, और 100 रुपये की भी थी, 50 रुपये की भी थी, जो नॉर्मल स्लीपर्स थी वो 50 रुपये की थी। तो यानी आप कह सकते हो कि सरोजनी से आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो यार। अगर आप डेली कुछ स्टाइलिश लुक में हर दिन दिखना चाहते हो तो आप सरोजनी आकर के शॉपिंग कर सकते हो। और फिर ये है इनर वेयर, यानी कि आप यहाँ से इनर वेयर भी ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनर वेयर यहाँ पर मौजूद थे, जो कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है गर्ल्स के साथ कि पैंटी की फाइन लाइंस दिखती है। तो यहाँ पर जो कुछ कुछ पैंटी मिल रही थी और वो भी सिर्फ 50-50 रुपीज़ की मिल रही थी, 100-100 रुपीज़ की मिल रही थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी ताकि आपकी फाइन लाइंस जो है वो नहीं नज़र आएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कुछ बाउल्स वगैरह भी लिए थे क्योंकि ये सर्विंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके अगर आप दाम जानोगे तो आप चौक जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ है 100 रुपये में, यानी कि 3 बाउल्स और 3 आपको स्पून मिल रहे हैं, सर्विंग स्पून मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं वहाँ 4 घंटे मैं स्पेंड की हूँ और मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है, कि जब मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली उसके बाद फिर मैं होम डेकोर के लिए फिर मैं शॉपिंग करने लगी। कई सारी प्लेट्स मैंने ली और फिर लाइट्स वगैरह भी, लैंप्स लिया मैंने, क्योंकि होम को आप घर को जितना अच्छा सजा सकते हो आप सजा सकते हो यहाँ से सामान ले जा करके। तो प्लीज़ आप लोग भी यहाँ पर आइए और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। ये लैम्प मुझे बहुत पसंद आया, सेल 350, ओनली 350। यहाँ पर जो बड़े लैम्प्स थे वो 350 की थी, छोटे लैम्प्स जो थे वो सिर्फ 100 रुपीज़ की थी, यानी कि सस्ता और शानदार। और वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के पीछे पड़ी हुई है ना, अभी हम लोग को करीब आधा मतलब शायद 2 घंटे हो गए होंगे। कितना का है दी? 250। सही लगाओ, ये देखो ये सारी ज्वेलरी कितनी अच्छी है। 80 में दोगे? 80 का तो मैडम खरीदने नहीं है। सही बता, 80 या 80 का? 150। वीडियो कर रही थी नहीं, 100 रुपये दोगे? आपने देखा कि किस तरीके से बार्गेनिंग करनी है आपको। आप इसी तरीके से बार्गेनिंग कीजिएगा तो प्रॉफिट में रहिएगा सरोजनी नगर में। और ये कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह, टॉयज वगैरह भी हैं, आप इसे भी ले जा सकते हो। यहाँ पे कुशन भी मौजूद था और सोफ़ा पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुशन जो हैं वो लगा सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर के सरोजनी नगर सस्ता है और वहाँ पर जा कर के आप शॉपिंग कर सकते हो। मुझे कुछ ड्रेसेस पसंद आ रही थी यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस हैं। और जो ये ब्लू वाली ड्रेस है ना, ये थी 250 की, यानी कि अगर हम ऑनलाइन लेने जाते हैं तो कम से कम इसकी 500 तो होगी ही होगी प्राइस। अगर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी थी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और हम लोगों ने फिर बीच में ब्रेक भी लिया था और फिर हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय भी किया। अब वेट नापने जा रही हैं, ये महिला का वेट देखा जाए थोड़ा सा। हाँ, मैं तो दिखाऊंगी, मैं शो करूंगी। क्या करने जा रही हैं? ये चेयर लूटने जा रही हैं। अरे सही में यार, अभी सबसे पहले जो है वो मोनिका आगे चल रही है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बैठने की जरूरत है। भाई मेरे सब्र नहीं हो रहा खाने के लिए। हाँ, और क्या खाई प्राची, ये भी तो बताओ। उनका नाम है मंगोड़े। मंगोड़े शॉपिंग किए हैं और सब लोग अब अपने अपने फोन बिजी हो गया। देखो देख लो, मतलब लास्ट जाते जाते तक सभी लोग अपने फोन पे व्यस्त हो चुके हैं। मोनिका कैसा लगा सरोजनी तुम्हें?
सरोजनी आज बहुत हेक्टिक था और आज सरोजनी बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। जैसा कि मैंने सुन के रखा था सरोजनी के बारे में, सरोजनी बिल्कुल अलग था। और जैसे यहाँ पर बहुत बार्गेनिंग बहुत सुना है कि बहुत सस्ते सामान होते हैं यहाँ पर, चीज़ें हम तो अब हम अपने अपने घर चल रहे हैं और बहुत बुरा सा लग रहा है क्योंकि हम बहुत साल के बाद मिले और ये कमीने घर नहीं जा रहे हैं मेरे। ये देख लो ये फोन में मीटिंग चल रही है, सॉरी। और देखो इसके मीटिंग चल रही है। सरोजनी नगर में कोई मीटिंग करता है ये मैडम? एक बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ। सही में बस कैमरे में उल्टा दिख रहा है। अब ये देखो जिनको खाना है वही बिजी है अभी। हम लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस दिन बिताए हैं और ये देखो अब हम लोग अपने अपने रास्ते लौट रहे हैं। प्राची बाय। मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं और मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मुझे लगता है अब ही बज रहे हैं 8। मैं 8 बजे अपने घर पहुंची हूं और मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हम तीनों एक साल बहुत दिनों के बाद मिले हैं क्योंकि हम हैदराबाद में साथ में थे और फिर उसके बाद अब दिल्ली मुलाकात हुई है तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों को मिले हुए और हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। बाय, लव यू ऑल।